हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कोरोना वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर पर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आज हम फिर से एक रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए, हाजिर हुए हैं। उस महान जीवित परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य। अपना कीमती वक्त निकाल के, 5 मिनट निकाल के इस प्रार्थना को सुन लेना, पूरे विश्वास से सुन लेना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपकी फिक्र करता है मेरे प्रियजनों। यदि आप परेशान है, दुख में हो, तकलीफ में हो, गरीबी में लिप्त हो, यदि आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बिलख रहे हो, तो मेरे प्रियजनों, में आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा, आपको छुड़ाएगा। आपको परमेश्वर से बोलना है, यीशु नासरी से बोलना है, मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रियजनों सभी से प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 2:8 में, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। जो कुछ मांगना है परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको ऐसा देगा कि आपको लेने के लिए झोलियां कम पड़ जाएंगी, झोलियां भर जाएंगी। मेरा परमेश्वर देता है, मेरा परमेश्वर महानता का परमेश्वर है, दीनता का परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किल्ले ठोकी गई, उसके मुंह पर थूका गया, 39 कोड़े लगवाए गए। मेरे प्रियजन, सिर्फ और सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी के खातिर, जो सजा से मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ हम सभी के खातिर, गुनाह के खातिर, पाप के खातिर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, हे यीशु पापा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए क्रूस सहा, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा। मैं पापी था, मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था, तूने बनाया, तूने उठाया, तूने संभाला, तूने गले से लगाया मेरे परमेश्वर, मुझे इस काबिल बनाया मेरे परमेश्वर, हम सभी को इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी को जान सका, मेरे पिता मैं आपको जान सका, हम सभी मसीह भवन आपको जान सके। हम सभी इस लायक नहीं थे, इस योग्य नहीं थे, हे राजाओं के राजा, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु राजा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुनेंगे, जो चिल्ला रहे हैं, जो रो रहे हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी परिस्थितियों को, बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, उदास हो चुके हो, डर चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो परमेश्वर को बोलना है, किसी इंसान से या किसी मनुष्य का आपका सहारा नहीं लेना है, आपको यीशु पापा से बोलना है, यीशु पापा मेरा आजाद करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करेगा, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर महानता का परमेश्वर है, वो दयालु है, उसकी करुणा सदा की है। क्या आप उसकी करुणा को लेना चाहते हो? लेना चाहते हो? मेरा परमेश्वर आपको सेत में देगा, मेरा परमेश्वर आपको सेत में देने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करता है आपसे। वो क्या आप प्यार करते हो? क्या आप प्यार करते हो? यीशु ने कहा है, मैंने तेरे लिए कोड़े खा लिया, तेरे लिए सजा ले लिया, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को मैंने सह लिया। तू रोता है, तू बीमारी को लेकर रोता है, तू चिल्लाता है, तू टेंशन लेता है, रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, क्या मैंने तेरे बोझों को, क्या मैंने तेरे रोगों को, तेरे दुखों को, तेरी परिस्थितियों को, क्या मैंने अपने देह पे नहीं लिया, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? यीशु पिता ने कहा, मैंने तेरा बोझ ले लिया है अपने देह पे और क्रूस पे चढ़ गया मैं, पिता बलिदान हो गया परमेश्वर, उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा मेरा परमेश्वर, उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा मेरा परमेश्वर, वो प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, प्यार करता है। इंसान का प्यार मिट जाएगा, मगर मेरे परमेश्वर का प्यार कभी मिटेगा नहीं। अरे यीशु पिता ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट में हैं, संकेती में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, टूट चुके हो, यदि बिखर चुके हो, परेशान हो चुके हो, दर दर के ठोकरे खा रहे हो, कोई आपको गले से नहीं लग रहा, मैं आज से बोल रहा हूँ आपसे, मेरे परमेश्वर के पास आए हो तो मेरा परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, आपके आंसुओं को मेरा परमेश्वर पोंछ देगा, एक नया जीवन देगा, अमर जीवन दे देगा आपको, जो कभी नाश नहीं होता है, अनंत काल का जीवन मेरा परमेश्वर आपको देगा, आपको देगा मेरे प्रियजनों। वो दयालु है,
वो दयालु है। यदि आप उससे मांगोगे बड़े बड़े काम मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कर देगा। वो प्यार करता है, वो प्यार करता है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही, कामों में सफलता नहीं मिल रही, खेती में सफलता नहीं मिल रही, टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा इस प्राण को सुनने के बाद। इस प्राण को सुनने के बाद आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। इस प्राण को सुनने के बाद मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इस प्राण को सुनने के बाद बड़े मिराकल होंगे। इस प्राण को सुनने के बाद बड़े काम खुल जाएंगे आपके जीवनों में। मेरे प्रियजनों, आपके घर में जादू टोना के बंधन है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप इस प्राणों को सुन रहे हो, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हो और आमीन बोलते हुए रसीव कर रहे हो, आमीन बोलते हुए रसीव कर रहे हो और हालेलुया बोल रहे हो, मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करेगा, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा बंद मार्गों से, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, खोल देगा। यदि आप गरीब हो, परेशान हो, लाचार हो, परेशान हो चुके हो, अपने दर दर ठोकरे खा चुके हो, तो मेरे परमेश्वर के पास आयो, मेरा परमेश्वर आपको बदल के रख देगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परमेश्वर युग चेंज करेगा, युग मेरा परमेश्वर चेंज कर देगा। यदि आप विश्वास का पुकार रहे हो, मेरे परमेश्वर को बुला रहे हो, मेरा पवित्र आत्मा, मेरे पिता का आत्मा आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा। इस प्राण को सुन लेना है, पूरे विश्वास के साथ सुन लेना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। चलिए मैं प्राणों को स्टार्ट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यदेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा है, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टि करता मालिक है, मेरे राजाओं के राजा, मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, मेरे परमेश्वर मैं इसके लिए पिता मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोगों के पिता जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, अपने माता पिता से, बहनों से, भाई से बिछड़ गए होंगे, वे एक बहुत दूर स्थान पर चले गए होंगे, परे परमेश्वर जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, मेरे पिता जो आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक सुरक्षित जीवन दिया, अमर जीवन दिया, जो कभी नाश नहीं होता है, अजर विरास का, यीशु पापा जो अपने प्रेम करने वालों को मेरे राजाओं के राजा जो आपने दे दिया है, मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर। आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है, तू मेरी पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरी पुत्री, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा विश्राम देता है मेरा परमेश्वर, आप लेने के लिए तैयार हो, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो कमाने नहीं, पिता टूट चुके, ब्रो रहे, बिलक रहे, चिल्ला रहे, मेरे परमेश्वर अपनी गरीबी में चकड़े, मेरे परमेश्वर वे अपने आंसू से रोटी खाते हैं, तोड़ते हैं, चिंताओं में चले गए हैं, अपनी गरीबी को लेकर उनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। ए सुराजा जो इस वक्त इस प्राणों को सुन रहे मेरे पिता, वे आजाद हो और इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए सुनासरी के नाम में, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये रिहा हो जाए, ये रिहा हो जाए। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, कटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएंगे। मेरे परमेश्वर मैं मांगता हूँ इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए जो मांग रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो खटखटा रहे हैं, मेरे परमेश्वर इनका मांगना आज मिल जाए, इनकी प्रार्थना का फल की गोद में आ जाए, इनका आना, इनका पुकारना, बैठना, इनका प्रतिफल, इनका फल इनकी गोद में मिल जाए, सुनासरी के नाम में मिल जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे, मेरे पिता, हे दाऊद की संतान, मेरे परमेश्वर सृष्टि करता मालिक, मेरे पिता मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ट्यूमर है, रसोलियाँ हैं, पथरिया हैं, गिल्टियाँ हैं, हर प्रकार की बीमारियाँ के शरीरों में लिप्त हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे पिता किसी के पास, मेरे पिता इतना पैसा नहीं है मेरे राजाओं के राजा कि अपना इलाज करा सके, ए सुराजा इनकी बीमारी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए मेरे पिता। में प्रार्थना करता हूँ घर में दुष्ट आत्माओं के बंधन, जादू टोना के बंधन, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में फूट है, बिधर में, यीशु के नाम में इनका लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, बंद हो जाए,
यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर प्रेम की आत्मा आ जाए, प्रेम की आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आ जाए, यीशु के नाम में यीशु पिता की शांति के जीवन में आ जाए, एक गवाही के साथ ब्लेस हो जाए, गवाही के साथ ब्लेस हो जाए। मेरे परमेश्वर इनके जीवन में मेरे राजाओं की राजा बड़े कामों को करो, बड़े कामों को करो, बड़े कामों को करो। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर जो कर्ज में है, जिनको जॉब की तलाश है, ने नौकरियां नहीं मिल रही, पैसे की घटी है, नौकरियां मिले, मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन बहन बहनों की शादी नहीं होती, उन मसीह भाई बहनों की शादी हो जाए, शादी का रिश्ता आने पाए। इस प्रार्थना को सुनने के बाद ये बदले और पिता सेम न रहे और जो मांगते हैं इन्हें मिल जाए, इनकी प्रार्थना का फल इनकी गोद में यीशु के नाम में आ जाए। मेरे परमेश्वर आ जाए, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में ब्लेस कर जिए, यीशु के नाम में ब्लेस कीजिए। मेरे पिता ये चैनल दिन प्रतिदिन उन्नतशील बनने पाए और बहुत सारे लोगों के पास जाए और जो सुने इस प्रार्थना को आशीषित हो, इस भवन के द्वारा ये आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भवन रात में नहीं सो पाता है, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तो सुख की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे आशा है, विश्वास है, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। ये छोटी स्मृति उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।